हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा तोमर आज आप लोगों के साथ क्लास 7th डीएवी स्कूल की साइंस कोड का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। दैट्स न्यूट्रिशन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स प्लांट्स। ये चैप्टर डीएवी क्लास के का डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और अगर नहीं पसंद आए कुछ कमेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करें और डिसलाइक करें वीडियो को। वी हैव यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि फूड एसेंशियल होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, सभी के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है एंड दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। और इसमें बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अवर फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, द मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है एंड हमारे फूड के रूप में ये नेसेसरी एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और उस प्रोसेस को दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आर बॉडी बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। तो इन फूड मटेरियल्स का यानी कि न्यूट्रिएंट्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट होता है। ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ग्रोइंग में हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं डैमेज पार्ट की। अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो यही न्यूट्रिएंट्स जिनमें प्रोटीन बेसिकली होती है उसको रिपेयर करती है एंड ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ के सभी वर्क को प्रॉपरली कर पाएं। नाउ न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट्स, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी में टेकन किए जाते हैं, लिए जाते हैं फूड की फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू एंड हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज करती है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंस समझिए। न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू आर बॉडी एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस डिफरेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एंड मोड्स ऑफ ऑब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन बाय द बॉडी हैव बीन डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स। दो कैटेगरीज में क्लासीफाई होती है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स होता है नॉरिसिंग, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ नॉरिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को खुद तैयार करते हैं, खुद न्यूट्रिशन करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एलोट्रॉफ्स एंड सम बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। और ऑटो मीन्स मैंने आपको बताया सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स क्या होता है न्यूट्रिशन। नाउ वी विल डिस्कस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली एनिमल्स में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड दैम सेल्व्स और डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। एंड दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, जो कि अपने फूड के लिए डिपेंड करता है प्लांट्स में एंड दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मीन्स अदर, एंड ट्रॉफ्स मीन्स नॉरिसिंग। द लिविंग बींग विच नॉरिस देयर फूड फ्रॉम द अदर्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स आर ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड बाई यूजिंग वाटर। प्लांट्स क्या कहते हैं, प्लांट्स के बारे में बताया गया क्या है
कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है एंड दैट हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब और कैप्चर सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स सिंथेसाइज्ड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड इन दिस प्रोसेस प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड दिस फूड इज ट्रांसफर टू द ऑल लिविंग बींग विच कैन नॉट नॉरिश देयर फूड दैमसेल्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल मैंस आई कैन नॉट प्रे एनिमल्स का कहना है कि आई कैन नॉट प्रिपेयर माई ओन फूड, आई डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। सभी एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे एक स्टडी फ्लो चार्ट है जहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया हुआ है जिसमें दो कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि ऑल ग्रीन प्लांट्स में होता है एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो कि एनिमल्स मैन नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है। हेटरोट्रॉफिक को हम अगेन क्लासिफाई करते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स होते हैं फंगस, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड सम बैक्टीरिया, जबकि पैरासाइटिक के एग्जाम्पल होते हैं देवदार एंड होलोजोइक एमीबा एंड ह्यूमंस। ऐसे एनिमल्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर सर्वाइव करते हैं सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं उन्हें पैरासाइट बोलते हैं एंड जो फ्री लिविंग होते हैं उन्हें हम होलोजोइक बोलते हैं। नाउ डू यू नो यूग्लिना जो कि एक यूनिसेल्यूलर एनिमल होता है, यूग्लिना का फिगर आप यहाँ से देख सकते हो, टेल दिखाई दे रही है इसमें आपको, इज एन ऑर्गेनिक दैट शो बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इट हैज बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स। मीन्स अगर आपसे पूछे कोई कि वॉट इज द लिंकेज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, देन योर आंसर विल बी यूग्लिना, बिकॉज यूग्लिना इज द इंटर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट एंड सम ऑफ एनिमल्स। नाउ वी विल डिस्कस फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। हेयर फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया गया इन डीएवी बुक। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन देयर लीव्स। बच्चों यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स की सिंथेसिस जो होता है फूड का प्लांट्स में वो लीव्स में होता है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम्स एज वेल एज योर ओन एग्जाम कि विच इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, देन योर आंसर विल बी लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। द लीव्स हैव सम ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हैव्स लीव्स टू कैप्चर द सनलाइट एनर्जी ऑफ द सनलाइट एंड दिस एनर्जी is used by the plant to synthesize their food using carbon dioxide and water and this process is called photosynthesis because this reaction takes place in the presence of sunlight, that's why it is called photosynthesis because photo means hota hai light and synthesis means hota hai to combine. Photo means light or synthesis means combine hota hai as it may take place in the presence of sunlight. This process is written like that, carbon dioxide plus water gives in the presence of sunlight and chlorophyll it gives carbohydrate which is glucose and oxygen which is O2. यहाँ पे प्लांट्स की प्रोसेसिंग दिखाई हुई है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट विच इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड कम्स फ्रॉम द सन एंड दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विच इज यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ रॉ मेटीरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर, यहाँ जैसा आपने देखा क्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर द रॉ मेटीरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एंड सनलाइट ऑल्सो प्रेजेंट। विदाउट क्लोरोफिल एंड सनलाइट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल।
सो सिंस फूड इज सिंथेसाइज्ड ऑन लीव्स विथ लीव्स ऑल द रॉ मटेरियल्स नीड टू ईच अदर. नाउ यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, रॉ मटेरियल फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल्स, देन वी प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस. Now you can see the figure of a root absorb water and minerals, soil particulates and root hairs के through water को absorb करता है and after that xylems transfer that water from the different cells and parts of the cells. Now we are discussing here water and minerals. They are absorbed by the roots from the soil. From here, water and minerals are transported to other parts of the plants by the vessels. Vessels are tubes that run throughout the roots, the stem and branches and leaves. You will learn about that this in chapter 8. में हम आगे जाके देखेंगे. यहाँ पे दिखाया हुआ enlarged portion of leaf epidermis showing the stomata. Stomatas are present small pores on the surface of leaf. Stomata pores surrounded by the guard cells surrounded रहते हैं and guard cells क्या होती हैं, ये सबसे lower cells को हम guard cell कहते हैं. Now carbon dioxide, plants take carbon dioxide from the atmosphere and carbon dioxide enters into the leaves through by tiny pores which are called stomata. स्टोमेटा एंड सरफेस तक पहुंचते हैं. स्टोमेटा से ये सराउंडेड होती हैं स्पेशली सेल्स कॉल्ड, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं. तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन सी इट वेरी. नाउ वी हैव सीन द हेयर, सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. द प्लांट यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड. दैट इज वाई The food making process in plants is called photosynthesis. Photo means जैसा मैंने बताया light and synthesis means to combine. Chlorophyll जो green leaves होती हैं they contains chlorophyll due to presence of this pigment that is chlorophyll. Leaves है capture solar energy. This energy is used to prepare food from the carbon dioxide and water. So here do you know some, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है कि some plants have the leaves that are not green in color, such leaves. हाँ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि कुछ प्लांट्स की लीव्स ग्रीन नहीं होती हैं. क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. Mask due to the presence of others colored pigments. The presence of additional pigments causes other leaf colors such as red in coleus and purple in red cabbages. However, such leaves are still perform photosynthesis. Some varieties, varieted leaves have yellow patches. Such yellow areas on the leaf do not contain any chlorophyll and hence cannot be performs photosynthesis. So, यहाँ पे बताया हुआ है कि सिर्फ वही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं विच कंटेन्स पिगमेंट दैट इज मैग्नीशियम. नाउ पोटेशियम इज ए फोटोसिंथेसिस इज ए यूनिक प्रोसेस. इट इज दिस प्रोसेस दैट सप्लाइड फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. द एनर्जी ऑफ द सन दस गेट्स पास्ड on to all organisms through plants. Plants also provide energy, oxygen needed for the all living organisms for respiration. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? क्या होगी, think and tell me कि क्या होगी life अगर earth पर photosynthesis नहीं होगा तो what will our life? Think and tell me answer of this question. Now products of photosynthesis we have already discussed it. Carbohydrate, glucose, the next converted form is starch whose presence in the leaves indicate occurrence of photosynthesis. Carbohydrate contains carbon, hydrogen and oxygen. Some carbohydrates also are converted to proteins and fats
एंड यहाँ पे प्रोटीन और फैट सभी में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि प्रोटीन कंटेन सम नाइट्रोजन। नाउ वेयर डज द नाइट्रोजन कम कम सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कम कम फ्रॉम नाइट्रोजन कम फ्रॉम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, बट प्लांट्स कैन नॉट बी यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्टेड एनेबल, विच इज सॉल्युबल एंड इज देयर फोर एब्जॉर्ब बाई द रूट्स अलॉन्ग विद रूट रूट्स आर ऑल्सो एबल टू एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स दैट एडेड इन द सॉइल।